हेलो दोस्तों, कैलेंडर में देखा हमने आज का क्वेश्चन कि 5 फरवरी 2021 को शुक्रवार है तो 10 जून 2021 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि 2021 में फरवरी है 2021 में 28 दिन की होगी या 29 दिन की होगी। तो हमने देखा 2021 में 4 से भाग नहीं जा रहा, मतलब कि फरवरी 28 दिन की ही होगी, जो कि 2021 नॉर्मल वर्ष होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि सबसे पहले फरवरी में 28 दिन होते हैं, तो ये फरवरी में 28 दिन होते हैं, तो 28 में से चूंकि 5 फरवरी तो शुक्रवार दिया है, तो 5 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में 23। ठीक है, अब हमने मार्च में देखा, मार्च में कितने दिन होते हैं, मार्च में दिन होते हैं अपने पास में 31। अप्रैल में जो कि दिन होते हैं अपने पास में, अप्रैल में होते हैं अपने पास में 30। फिर इसके बाद में मई में दिन होंगे आपके पास में 31। और फिर जून में कितने दिन का पूछा है, 10 जून को पूछा है, तो 10 जून के लिए अपन लिख लेंगे यहाँ पर 10। इन सभी को जोड़ देते हैं अपन, तो यहाँ पे देखा अपन ने 3 और 1 4 और 1 5। ठीक है, 5 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 1 12, 125। ठीक है, 125 आ गया हमारे पास में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 125 को डिवाइड कर देते हैं कितने से, 7 से। तो 7 एकम 7, यहाँ पर बचा अपने पास में 5 5 उतार लेंगे यहाँ पर, तो 7 से 7 बार में चला गया 49 में माइनस करेंगे 55 में से, यहाँ पर बचेगा 6, क्योंकि शेषफल अपने पास में 6 है। शेषफल अपने पास में क्या आया, 6 आया। और यहाँ पर अपने पास में देखो 5 फरवरी को शुक्रवार था, तो शुक्रवार में अपन प्लस कर लेंगे 6, तो ये आ जाएगा शुक्रवार में 6 प्लस करो, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, तो यहाँ पर कौन सा दिन होगा, गुरुवार का दिन होगा, मतलब कि 10 जून 2021 को गुरुवार होगा।